अब ये बच्ची आपके साथ है, आप इसकी जर्नी को आगे बढ़ाएं। इन्होंने पहला क्राउन मिस टीन सुपर मिस इंडिया का जीता था 2024 में। 3 महीने की एक जर्नी है इस बच्ची की, जो इसने प्रोफेशनली ट्रेनिंग की थी सुप्रीत मैम के साथ। अगेन आपकी जम्मू कश्मीर की बेटी जो मिसेस यूनिवर्स तक जा चुकी है, जिनको आपने बहुत साथ दिया। और लक्की जी को आप सब जानते हैं, हमेशा आजकल जो यूथ है उसको आगे बढ़ाने के लिए रहते हैं। इनके यहाँ पर जो सुप्रीमेसी चैलेंज थे, सुप्रीमेसी पेजेंट ऑर्गेनाइज कराया था, उसके ऑडिशन हुए थे, बहुत इन्होंने साथ दिया। तब भी आप मीडिया वाले आए थे कवर करने के लिए, और ये बच्ची उस ऑडिशन में अच्छा मुकाम हासिल करके विनर बन के वापस जम्मू कश्मीर आई, और फिर इसको मौका मिला कि ये भारत को रिप्रेजेंट करे। मेगा स्टार प्रोडक्शंस के थ्रू फिलीपींस में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था 10 दिन का। बहुत टफ जर्नी थी, मैं इसके साथ थी, आई नो कि बहुत डांट भी इसने खाई है, बहुत प्यार भी इसने देखा है, लेकिन डट के खड़ी रही और बखूबी इसने हर एक जो भी इसके आगे मुकाम आता रहा उसको हासिल किया। बहुत सारे राउंड्स थे, आई स्टिल रिमेम्बर इसके पाँव भी जो है छालों से पूरे भरे हुए हैं अभी तक, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू विन द क्राउन। कहना आसान है ब्यूटी क्वीन ने क्या करते हैं आप चलते हैं, लेकिन नहीं, जब सिर पे ये ताज आता है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे आती है। आई कैन फील द सेम, क्योंकि हम भी एक स्टेज ऐसे थे, रोई थी तो डैडी वहां से दूर से देख रहे थे, नहीं बेटा यू कैन डू दिस। इनकी मम्मा हमेशा मेरे साथ पूरे इवेंट में 10 दिन लगी रही कि एक माँ का प्यार, एक माँ की केयर, एक माँ की डांट, एक माँ का सब कुछ। इन्होंने मुझे सौंपा कि मैम इट इज योर, और ये मुझे पीछे से पुश करते रहे कि नहीं मैम आप दोनों मिलकर ही कर सकती हैं। एंड इन दोनों का बिलीव आई कैन से मदर फादर का कि हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, बीइंग द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम जम्मू कश्मीर जिसने अपनी कंपनी खोली है, और पहली ही हमारी इंटरनेशनल जो है हम वो विन करके आए हैं क्राउड, ये भी आपके लिए बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं अर्श का थैंक्स कहूंगी कि मेरी जो कंपनी, मेरा जो सपना था उसको पूरा करने में इसने मेरा बहुत योगदान किया, इसके फादर मदर ने। एंड आई कैन से वन मोर थैंक यू कि मुझे 12 साल के बाद मेरी टीचर इसकी वजह से मिली, इनका मीट मैम मैम इसकी माँ से है, और बहुत सपोर्ट इनका रहा है हम इस जर्नी में। और इसी के साथ साथ NISC अकेडमी आप जानते हैं शबीर जी और नुसरत मैम की, उन्होंने इनका इवनिंग काम जो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये डिजाइन किया है विद द थीम ऑफ लोटस एंड द पर्ल्स। और इसके साथ साथ एक और गर्व की बात बताना चाहूंगी, हमें कहा जाता है हमेशा मॉडलिंग में कि आप मॉडलिंग से जम्मू कश्मीर को कैसे आप नंबर वन पे ला सकते हैं, तो आज एक तो आपको हम टास्क दे रहे हैं, बताना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि ब्यूटी पेजेंट्स भी जम्मू कश्मीर का कल्चर जो है उसको बढ़ा सकती है, उसको प्रमोट कर सकती है, और टूरिस्ट आने में आपकी पूरी सहायता कर सकती है। और इसी के साथ साथ जो अर्श ने प्रेजेंटेशन दी थी फॉर योर नेशनल कॉस्ट्यूम, यानी कि आप पूरा अपना हिंदुस्तान कैसे दिखाना चाहते कि हम कौन है, तो हम इस बारी जम्मू कश्मीर का डोगरी कॉस्ट्यूम लेकर गए थे, जो आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ ब्यूटी पेजेंट्स नहीं हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्टेज पे हमारा जम्मू कश्मीर का पूरा लुक हो। तो आप वो भी लुक देख सकते हैं, क्योंकि इसकी वीडियो सारी लाइव है, और हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे अर्शीव की पूरी 10 दिन की जर्नी। एंड आई इंट्रोड्यूस यू योर क्वीन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिस अर्शीव कौर, जो कि है मिस टीन टूरिज्म अर्थ। अब आप इनसे सवाल कर सकते हैं। ऑडिशन दिए थे, और मैं सच बोल रहा हूँ वेरी रॉ पर्सन, जिसे कुछ नहीं पता था, और ब्लैंक पेज जिन्होंने इसे मतलब मैम्स ने भरा है पूरा, ना मुझे चलना आता था, मुझे कुछ करना नहीं आता था, और आई स्वेयर मैं कैमरे के सामने बहुत नर्वस हो जाती थी। सो दे होल्ड माय हैंड्स एंड से कि अर्श हो जाएगा, और मेरा स्टार्ट ही 3 महीने पहले हुआ है, और इन्होंने बहुत हेल्प की है। अगर हम मिस टीन टूरिज्म की बात करें तो 10 दिन की पूरी जर्नी थी, जिसमें मैम मेरे साथ थे, और हर एक दिन शी टेल मी एवरीथिंग कि अर्श ऐसे ऐसे करना है, डोंट वरी सब हो जाएगा, शी इज लाइक देयर फॉर मी। एंड वो 10 दिन की मेरी नहीं, आप मेरे को सामने देख सकते हैं, बट मेरे पीछे जितने लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है वो बहुत ज्यादा है। मैम की पूरी टीम बैठी है, सुप्रीत मैम, मेरी फैमिली, एवरीवन। और वो जर्नी बहुत अमेजिंग थी, जिसमें कभी नर्वसनेस फील होती थी, बट हम बहुत एंजॉय भी करते थे, एंड आई लर्न अ लॉट देयर, बहुत कुछ सीखा है मैंने। ऑल थैंक्स टू आशिमा मैम, सुप्रीत मैम, माय फैमिली, एवरीवन हु सपोर्टेड मी।